हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, दूध जैसा गोरा और खूबसूरत बच्चा चाहते हैं तो प्रेगनेंसी में खाएं ये चीजें। जरा एक बार ये वीडियो देख लें, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। नंबर 1, केसर वाला दूध। जी हाँ, हम जानते हैं कि आप में से बहुत से लोगों ने केसर युक्त दूध के बारे में सुना होगा। रोजाना केसर की थोड़ी सी मात्रा की एक ग्लास दूध के साथ उबाल कर पीजिए। ऐसा माना जाता है कि केसर में कुछ विशेष गुण होते हैं जो कि माँ और बच्चों दोनों के रंगों को गोरा करने में सक्षम होते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि केसर को ज्यादा मात्रा में उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे गर्भाशय में संकुचन होने का खतरा रहता है। लेकिन कम मात्रा में केसर गर्भावस्था के लक्षण जैसे ब्लड प्रेशर और मूड स्विंग्स को कम रखने में भी मददगार होता है। साथ ही आपको दूध से काफी मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं। नंबर 2, नारियल खाइए। ऐसा माना जाता है कि नारियल खाने से बच्चा गोरा होता है, तो आज से ही नारियल को सीमित मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। नारियल खाने और उसका पानी पीने के बहुत से फायदे हैं, जैसे इसके पानी से आपके शरीर का हाइड्रेशन लेवल बेहतर होगा, आपको जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स मिलेंगे, मानसिक तनाव कम होगा, नींद अच्छी आएगी। इतना ही नहीं, कोकोनट गर्भावस्था में होने वाली मॉर्निंग सिकनेस को भी कम करने में काफी मददगार होता है। नंबर 3, दूध। ऐसा माना जाता है कि अगर दूध जैसा गोरा बच्चा चाहिए तो दूध पियो, लेकिन इस कथन में कितनी सच्चाई है इसके बारे में हर किसी की अपनी अपनी राय है। लेकिन इसे करने में भी क्या हर्ज है, क्योंकि दूध को प्रेगनेंसी के दौरान पीने योग्य एक अच्छा पेय माना जाता है। रिसर्च तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इसे रोजाना पीने से आपका बेबी अच्छी कदकाठी का पैदा हो, तो रोजाना रात को सोने से पहले एक ग्लास दूध पीना ना भूलें। इससे आपके अंदर पल रहे बच्चे का विकास अच्छे से होगा और आपको भी अच्छा पोषण मिलेगा, साथ ही नींद भी अच्छी आएगी। नंबर 4, अंडे। आपने सुना होगा कि संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। जी हाँ, अंडा भी एक ऐसा आहार है जो कि लोग गोरा बच्चे होने के लिए खाने की सलाह देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दूसरे तिमाही में रोजाना अंडे का सफेद भाग खाने से बच्चा साफ रंग का पैदा होता है। अंडे से आपको ढेर सारे पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स तो जरूर मिलते हैं, जिनसे आपके बच्चे का विकास अच्छे ढंग से होता है और आपका बेबी हेल्दी पैदा होता है। नंबर 4, बादाम। रोज रात को कुछ बादाम पानी में डुबो कर रखिए और सुबह उन्हें दूध के साथ अच्छे से चबा चबा कर खाइए। इससे आने वाले बच्चे की स्किन और हेल्थ दोनों ही सुंदर होगी। इसके अलावा बादाम से आपको दूसरे कई सारे फायदे मिलेंगे, जैसे पाए जाने वाले प्रोटीन से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चा अच्छे वजन का पैदा होगा। इसके फाइबर से आपको प्रेगनेंसी में होने वाली कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलेगा। इसके विटामिन ई से आपके और आपके बेबी की त्वचा और बाल अच्छे होंगे। कैल्शियम से आपके नन्हे मुन्ने की हड्डियां स्ट्रॉन्ग बनेंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।